हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज ये वीडियो है एक ब्लॉग। तो आज मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेकर आई हूँ, तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना इस ब्लॉग को। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर। अभी हम छत पे थे, अब छत से हम नीचे आ गए हैं, तो चलो चलते हैं नीचे। और अभी मैं जाऊंगी किचन में मम्मा के पास। हम आ चुके हैं किचन में, और किचन में बन रही मैक्रोनी मैंने इसमें एक डाल दी थी। और यहाँ पर हमारी जो मैक्रोनी है वो है ये है मैक्रोनी का पैकेट। और अभी मैं इसमें डालूंगी मैक्रोनी। मम्मी पानी हो गया है ना, बाउल हो गया है। अभी मैं एक एक करके डाल रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है एक एक डालना। और तो अभी सब मम्मा ने निकाल के अब वो मैं इसमें डाल लेगी, और इनको उबालना है। ये देखो तो भी ये उबलेंगी। जब तक हमारी मैक्रोनी बनती है मैं आपको दिखाऊंगी मैं मैक्रोनी मम्मा के साथ बनाऊंगी। और फ्रेंड्स चलो मैं तब तक आपको अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ में, आपको मैं अपने छत पे लेकर चलती हूँ और आपको अपने प्लांट दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं छत पे, हम गेट करते हैं ओपन। फ्रेंड्स वहां से यहाँ लेके आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हो रही है ना। तो ये है मेरा एक पहला प्लांट जो कि है गुलाब का, और इसमें बुड्ढी भी निकली है, ये देखें क्यूट सी लग रही है। तो फ्रेंड्स ये है मुकैया का पेड़, और एक होती है लाल मुकैया और एक होती है काली मुकैया। तो ये वाली है लाल मुकैया, और उसी के पड़ोस में लगा है बेला, बेले का पौधा। ये लगी है मेरी हरी भरी पुदीना, इसको मैंने हरा भरा और फिर से कर दिया, सूख गई थी, फिर से मैंने इसको पानी देती रही और ये हरी भरी हो गई। ये भी हमारा गुलाब है, हमारा केला है। आप सोचोगे गमला क्यों टूटा है, हमारी छत पे बहुत बंदर आते हैं और उन्होंने हमारे बहुत बड़े केले के पेड़ को तोड़ दिया था। तो अब बेचारा बहुत मेहनत के बाद में अब इतना बड़ा हो पाया, और वो गमले भी तोड़ के चले गए। तो अब बनाने के रूट्स देखो, और मैं इसे हमेशा पानी देती हूँ। एलोवेरा के भी बंदरों ने कुछ यही हाल किया है, और ये देखो बिचारे पेड़ों का क्या हाल करते। मुझे बहुत ज्यादा बंदरों पे गुस्सा आती है, मेरे इतनी मेहनत से लगाए हुए पेड़ों को ये उखाड़ देते हैं, गमलों को तोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स देखो ये सीमेंट का गमला है, वो तक गिरा के तोड़ दिया। अभी हमारा केले का पेड़ है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग एक पूजा वाला पेड़ रखे हैं और एक बिना पूजा वाला, ठीक है। तो अभी है हमारे पास में मेरी छोटी सी क्यारी मैंने बना के रखी है, इसमें ये लगे हैं नींबू के पेड़, एक दो तीन, ये नहीं है नींबू का, एक दो तीन चार, तो चार नींबू के पेड़ हैं। और यहाँ पर लगी है गेहूं, और यहाँ पर भी ये घास है, फिर घास है, एलोवेरा लगी है, ये भी उन्होंने उखाड़ दिया था। ये देखो मैंने बहुत मेहनत से बनाया लगाया था, और ये देखो कितना लाल लाल है ना, पर बहुत ही मेहनत से मैंने उगाया था, लेकिन बंदरों का तो कुछ कहना ही अलग है। चलो आपको आखिरी अपने प्लांट दिखा देती हूँ जो कि है मेरे आखिरी प्लांट। तो फ्रेंड्स ये है मेरे आखिरी प्लांट, यहाँ पर है दस बुजिया जिसमें अभी फूल नहीं निकलते हैं। इसमें गर्मियों में फूल निकलते हैं, तो जब गर्मियाँ आ जाएंगी पूरी तरीके से होली के बाद, तो मई में इसमें फूल निकलेंगे, देखना बहुत बढ़िया फूल निकलते हैं। इसमें एक बार पानी डाल दो तो एक हफ्ते तक ये पेड़ चलता रहता है, सूखता नहीं है, मतलब एक बार पानी डालने से एक हफ्ते तक इसमें, देखो। और ये लगी है मेरी पालक जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये नीचे झुक गई है, यहाँ पे मैंने गड्ढा कर दिया, और यहाँ पर भी दस बुजिया। और ये है मेरा गेंदे का पेड़, ये भी गेंदे के पेड़ हैं, ये देखो, ये है एलोवेरा, ये है पुदीना, बस इतना ही। और ये है कॉर्न। तो फ्रेंड्स इतना ही है मेरे प्लांट्स इतने ही हैं। तो चलो चलते हैं नीचे। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं नीचे, तो हम गेट को बंद कर देते हैं। तो चलो चलते हैं नीचे।
तो फ्रेंड्स अब हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर भी हमने प्लांट लगा के रखे हैं और ये गमले हैं और इनको हमने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि ऊपर बंदर तोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये है गुलहर का प्लांट, कितना क्यूट सा है ना, अच्छा सा है। और ये है तुलसी माता, ये भी तुलसी माता है, ये देखो। तो ये है हमारे यहाँ पर थोड़े से हमने यहाँ पे प्लांट रखे हैं, ये देखे, ये है गुलहर। तो चलिए चलते हैं मम्मी के पास में और देखते हैं हमारी मैक्रोनी बनी कि नहीं। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं नीचे और चलो देखते हैं चल के मैक्रोनी बनी। मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ, तो चलो मम्मा के पास में अभी हम आ चुके हैं और चलो आपको दिखाते हैं मैक्रोनी। तो हमारी मैक्रोनी कुछ ऐसी दिख रही है। तो फ्रेंड्स हमारी मैक्रोनी कुछ ऐसी दिख रही है, अभी अब उबल रही है। तो फ्रेंड्स थोड़ा वेट करते हैं इसके उबलने का, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स हमारी मैक्रोनी उबल चुकी है, अब चलते हैं कढ़ाई की ओर। तो फ्रेंड्स मम्मा ने कढ़ाई ऑलरेडी गैस पर चढ़ा दी है और इसमें तेल ऑयल भी डाल दिया है और अब मम्मा इसमें डाल रही है लहसुन। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो दूर रहता है हाँ, तो जब ऐसे मम्मा ने अभी ये डाला है, मम्मा ऐसे देखती है कि तेल पका है कि नहीं, ऐसे देखा जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारी माइक्रोनी बनेगी मैं आपको फिर दिखाऊंगी। और मैं ये देखो ये, और अभी तेल हो रहा है तो मम्मा पूरी डाल देंगी, बहुत जो छट्टे आती हैं हम दूर रहते हैं इससे। तो फ्रेंड्स अभी ये हो जाएगा, इसमें प्याज वगैरह मसाले वगैरह मम्मी डालकर हमारी मैक्रोनी को बना देगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं ये बन चुकी है, अब मैं इसे प्लेट में लूंगी। तो फ्रेंड्स अब मम्मा मुझे इसमें इसे प्लेट में देगी। तो चलो मैक्रोनी को अपनी प्लेट में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मम्मा ने मुझे मैक्रोनी दे दी है, आप देख पा रहे होंगे। और चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं चल के। तो अभी हम अपने कंप्यूटर के पास में हैं, अरे हाँ अभी हम इसको यहाँ पर रख के टेस्ट करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स इसे टेस्ट करते हैं। यम्मी, ये बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स चलो इसे खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और मुझे टमाटो केचप, मैंने आप सोचिए मैंने टमाटो केचप नहीं डाला, मुझे टमाटो केचप अब नहीं अच्छा लगता इसलिए मैंने नहीं डाला। तो फ्रेंड्स चलो मैं इसे खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।